आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। रादौर में सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सांसद नायब सैनी ने इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने के प्रश्न के जवाब में तंज कसते हुए कहा कि अरोड़ा एक डूबे हुए जहाज से उतरकर दूसरे डूबने जा रहे जहाज में सवार हुए हैं। प्रदेश में कांग्रेस और इनेलो की स्थिति की आज क्या हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय तक राज करने वाली इन पार्टियों के शासन में केवल चेहरे बदलते थे, नीतियां नहीं, लेकिन जब से हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है तब से पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक समान विकास की नीतियों से राजनीति के मायने बदल दिए हैं। देखिए, जिस जगह से अशोक अरोड़ा जी आए हैं वो जहाज पहले डूब चुका है और दूसरा जहाज वो डूबने की तैयारी में है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इनेलो की स्थिति हुई है उससे पूरी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस और INLD हरियाणा में उन्होंने लंबे समय तक दोनों पार्टियों ने शासन किया है और जनता उनके शासन के बारे में जानती है। जनता को मालूम है कि जब भी सरकार बदलती थी सिर्फ चेहरे बदलते थे, नीतियाँ नहीं बदलती थी, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई है। मनोहर लाल जी ने पिछले 5 वर्षों में जो हरियाणा प्रदेश का समान रूप से मजबूत विकास किया, राजनीति के मायनों को बदलने का काम किया, उसके ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है और काम को सराहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी उसका साथ दिया जाएगा। देखिए, ये कार्य तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठता है और जो वो फैसला देगा। हम सब कमल के फूल को जताने में लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसा भी आदेश केंद्रीय नेतृत्व का आएगा, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का आएगा, उस आदेश को सभी कार्यकर्ता सर्वमान्य स्वीकार करके और जो जनता की आवाज़ है एक एक वोट कमल के फूल को जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को रादौर में दोपहर बाद 3 बजे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के एक महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस महासम्मेलन में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला सहित अनेक नेता शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर रविवार शाम सांसद नायब सैनी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री वेदपाल व अन्य नेताओं ने रैली स्थल का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।